पार्टी पंजाब च इलेक्शन लड़ना चाहती है, चाहे वह विधानसभा का चोण होवे या लोकसभा का। असी चाहते हाँ कि अपनी टिकटों चो 33% टिकटा वो औरतों को दें, ये साडा एजेंडा है। ये नाल नाल मैं सेहत भी गल करना चाहती हूँ। जोड़े साडे नुमाइंदे ने, चाहे वह MLA हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्होंने सारे का इलाज सरकारी हस्पतालों होना चाहिए है। तो जेकर वो इलाज प्राइवेट हस्पतालों तो करवाते हैं तो उन्हों का भुगतान सरकारी खजाने चो ना हो। थैंक यू गुरु नानक। हुण सेहत की गल मैं अगे तुरदा हाँ। सब तो वड्डी गल है कि सेहत साडा संविधानिक अधिकार है, मतलब कि देश की जिम्मेवारी है सारे लोगों को सेहत सहूलत मुहैया करवा। आजादी तो बाद 70 साल के असी एक बहुत वधिया सेहत ढांचा तैयार किया। प्रायमरी हैल्थ सेंटर पिंडा के लैवल से, उस तो उपर कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर, फिर डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, तो उस तरह मेडिकल कॉलेज। एक पूरी चेन है जिस के तहत लोगों को वक् वक् पद्धर दहूलत दी जा। पर असी देखते हैं कि पिछले 70 साल के इस ढांचे के बावजूद अज की तरीक के 85% लोगों को जो भी अपनी सेहत सहूलत हासिल करनी होंगे ने वो अपनी जेब में पैसे खर्च करते हैं। तो साडा ये एजेंडा है कि इन्हां जिहड़ा ढांचा साडे कोल ऑलरेडी बनिया चुकिया हैगा, इस ढांचे को पूरी तरह मतलब कि मजबूत करने की लोड़ है। इत्थे सारिया सेहत सहूलत डॉक्टर ते नर्सिस ते सेहत कामे ते प्लस दवाइया ते होर साजो समान जिहड़ा है वह पूरी तरह उत्थे मौजूद होना चाहिए है। इहदे नाल ही जुड़ती गल हैगी है कि जो असीं ये सारा कुछ करना है तो सानू सेहत बजट जिहड़ा है वह वधाउण की लोड़ है। वधाउण की गल है, 5.5% बजट जिहड़ा है वह राज सरकारां ने खर्च करना हुंदा, पर पंजाब सरकार ये 4% ही खर्च कर रही है। तीसरी गल हैगी है कि जिहड़ी इत्थे साडे कोल रेफरेंस चेन सिस्टम हैगा, तो एक रैफरेंस सिस्टम होना चाहिए डेफिनेट कि एक पर्ची जी है प्रायमरी हैल्थ सेंटर पेंडू पद्धर तो बने तो वह उपर तक डिस्ट्रिक्ट हस्पताल या मेडिकल कॉलेज तक चले, तो फिर वही पर्ची जी है वापस उतों की इलाज करवा के वापस जी है प्रायमरी हैल्थ सेंटर पर आए, यानी कि टू वे एक रैफरेंस सिस्टम हो। इस वास्ते एक मुस्तैदी के नाल साढ़े को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो, कहना मतलब एंबूलेंस वगैरह भी होन, ताकि जोड़े ने मरीज वो समय सिर उ अगले पद्धर के सेवावान के लिए पहुँचाए जा सकन। तो यह तीन जीडिया चीज़ा ने इंपॉर्टेंट ने। तो जे असं कहने कि इन संस्थावान डॉक्टर या कामे रह नहीं रहे उत्थे जाते नहीं, तो उन्हें वास्ते सब तो वड्डी जी गल दिक्कत देखने जा रही है वह हैगी है कि साढ़े कोई डेफिनेट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। डॉक्टर को पता नहीं होंगे कि उन्हें किन्ना चेर पिंड रहना है, किन्ना चेर उन्हें शहर के रहना है या कि जिला पद्धर से रहना है। एक डेफिनेट ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए है, तो डॉक्टर को पता होए, कामियां को पता होए कि उन्होंने किस पद्धर से कितना समा रहना है। इस दे नाल ही जो असीं गल करते हैं कि साढ़े 85% लोग जिहड़े ने प्राइवेट हस्पतालों में जा रहे हैं या प्राइवेट क्लीनिक में जा रहे हैं, इहदा मतलब यह है कि साढ़े को सेवावान नहीं ने। पर दूजे पास यह भी है कि साढ़े को प्राइवेट हस्पतालों के भी काम करने वास्ते उन्होंने लोगों को जेब में पैसे लैन के वास्ते उन्होंने कोई नियम नहीं है। पर साढ़े को एक क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट है जो कि बनया पाया है, पर विधानसभा के पास नहीं होया है। तो जिहड़ी भी सरकार जिहड़ी भी सत्ता में आती है वह वादा करे, वादा की करे, इसनूं लागू करवाउण दे वास्ते मुस्तैदी दे नाल अगे आवे, तो ताकि क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट जिहड़ा है वह पास किया जा सके। तो आखिरी गल हैगी है कि साडे कोलों अपनी पंजाब की साडे राज की एक वक्री सेहत नीति होवे, भावें भारत सरकार की सेहत नीति है, पर राज सरकारां जिहड़ियां ने वो सेहत दे वास्ते उन्हां दा हक है। इस करके वैसे भी आपां देख सकदे हां कि आबो हवा दे सभ्याचार दे मद्देनज़र हरेक राज दे विच अपनियां ही सेहत समस्यावां ने। तां सानूं पता होवे साडियां सेहत समस्यावां की ने, असीं उन्हां नूं कीवें हल करना है, किन्ने सानूं कामे चाहीदे ने, किन्ने सानूं संस्थावां चाहीदियां ने।